फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं अपने बाकी टीम मेंबर के पास। बाद यार मैं भाई नाल एक फोटो मेरा ही बना रहा हूं, मेरा सीन में ठहर जा। ये नंगे पांव ओए तानू सही टैलेंट दी कदर ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरवाफियत से होंगे। एमकेएस ट्रैवलिंग व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं सोन वैली। सुबह के 4:45 हो चुके हैं और मैं अपने घर से रवाना होने लगा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, हम चार दोस्त जा रहे हैं, एक मैं और मेरे साथ हैं मलिक वकास भाई, सैयद मुश्तबा भाई हैं पीरोवाल से जो कि लास्ट टाइम मेरे साथ यकबे ट्रिप पर भी थे, उसके बाद हैं अली माही साईवाल से जो कि वो भी लास्ट टाइम यक भाई के ट्रिप पे साथ थे। वो अभी निकलते हैं, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, बाकी दोस्तों को कॉल कर दी है। सुबह 5 बजे रवाना होने की एक मेन वजह ये भी है कि हमारे रोड के ज़्यादातर रोड टूटे फूटे हमें मिलेंगे, जिसकी वजह से हम इस टाइम रवाना हो रहे हैं। टाइम हो चुका है 5:08 और मैं जा रहा हूँ अवान चौक, जहाँ से मुझे ज्वाइन करने वाले हैं वकास भाई। और उसके बाद जो हमारा प्लान है, जो पीरोवाल और साईवाल से दोस्त हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे जंग में। हम वाया 18 हजारी वाली साइड से जंग पहुँचेंगे। ये जी वकास भाई ने मुझे ज्वाइन किया है अवान चौक से और टैंक शैंक फुल हो रहे हैं। जी नमाज और चाय की ब्रेक है, अभी रास्ते में एक जगह रुके हैं और बहुत ही जबरदस्त व्यू है। सेकेंड ब्रेक हुई है हमारी रंगपुर के करीब वॉशरूम के लिए और अभी हम फिर अपने सफर पर रवा दवा हैं। अठारह हजारी पहुंच चुके हैं और अभी हम मुड़े हैं हेड त्रिमू वाली साइड पर जंग के लिए। नौ बजकर 9:15 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं हेड त्रिमू। ठंडी ठंडी हवाएं हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। गूगल आंटी की बात मानोगे तो फिर ये तो होगा। हमारे दोस्त जंग बाईपास पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने हमें भेजी लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन ऑन करते ही हमने ये नहीं देखा कि ये कहां से जा रहा है और हमने लोकेशन को फॉलो करना शुरू कर दिया और ये हमें ले आया गलियों मोहल्लों में। फाइनली जी हम जंग के मसरूफ तरीन गली मोहल्ले बाजार क्रॉस करके पहुंच चुके हैं सरगोदा रोड अल्लाहू होटल अपने दोस्तों के पास और बहुत ज्यादा थका दिया इस रोड ने, बाकी बातें होंगी नाश्ते के बाद। हाँ जी अली भाई की ले आयो? हलवा। कादा? सोन हलवा। यार चिट्टा सोन हलवा? यस। नहीं सही सही दसो केड़ा हलवा है? कोकोनट हलवा। और मैंने दास्ते दे भाई वीडियो है, मैं बहुत माने का घना एक फोटो भी होई आ गया और फोटो वाला भी था। मादर तो यार मैं भाई नाल एक फोटो मेरा ही बना रहा हूं, मेरा सीन में ठहर जा। नाश्ते के अलावा हमने किया यहाँ पर 1 घंटा रेस्ट और अभी हम रेडी हैं। सिर्फ वकास भाई मिसिंग है जो कि किसी शॉप पर कुछ लेने गए हैं। शाहजी बस ठीक है, अब हम 3 जने कनेक्ट हैं।
ये है जी दरियाए झेलम का पुल जो सरगोधा और खुशाब को आपस में मिलाता है। खुशाब हमसे कुछ ज्यादा दूर नहीं है, पुल क्रॉस करके कोई 4-5 किलोमीटर के बाद खुशाब आ जाएगा। खुशाब में एक शॉर्ट ब्रेक होगी और उसके बाद हम फिर रवाना होंगे आगे। शॉप पहुंच चुके हैं और थोड़ा कैश ले लेते हैं क्योंकि आगे कैश भी जरूरत पड़ सकता है। ले जी ये तो एटीएम ही बंद है, चलें कोई और ही सही। पैर के नोने पोने दो हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं खुशाब में। पेशाब में हमने शॉर्ट ब्रेक ली है और शुगर केन जूस पिया है और अभी हम रवाना है अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जो कि है सोन वैली। हम पहुंच चुके हैं कट्ठा संगड़ियाल और यहां से हम फ्यूलिंग करवा रहे हैं ताकि हमें आगे तंग ना होना पड़े। आप वही हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप अली माही चैनल है आपके नाम है। मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, मुल्तान का सुल्तान नहीं एमकेएस व्लॉग, सॉरी नाम चेंज किया था। ਡਿੱਪਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। सोन वैली पहुंच चुके हैं और इस टाइम हम है कलर कहार रोड पर। हमारा जो कैंपिंग पॉइंट है वो भी यहीं करीब है। आगे हमारा वेट कर रहे हैं एहसान भाई, उन्होंने हमें बताया कि आप सीधा आते रहें, मैं आपका वेट कर रहा हूं मेन रोड पर। और जी ज्यादा दूर नहीं, ये 2 किलोमीटर बाद ही हमें मिल गई एहसान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर वाफियत से हम पहुंच चुके हैं जाबा विलेज सोन वैली। यहां पर आपको कैंपिंग साइट विजिट कराते हैं और यहां का ब्यूटीफुल सनसेट आपको दिखाएंगे ड्रोन से।
चाय का एक राउंड लग चुका है और अभी खाना लगने वाला है, उसके बाद होगा बॉन फायर और दोस्तों का हल्ला गुल्ला। चिकन कोरमा, ए दलिये का हलवा, दलिये का हलवा कितने कोशिश करते हैं माशाल्लाह ज्यादा ही हो गए। मेरी जब लास्ट टाइम बात हुई थी ना तो कह रहे थे कि 15 एक हैं, ज्यादा हो गया वो। एक सेकंड शाह जी, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा होठ पे पक्का मार के पढ़ो नंगे पांव। एक्सीलेंट यार, जबरदस्त वो, बहुत आला। पैर में कांटे लगे होठ पे नंगे पांव आना याद है हम को, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। लता मंगेशकर तानू सही टैलेंट दी कदर ही नहीं। हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो। यार कोई और गजल याद कर लो। नहीं बहुत आती हैं तो फिर आप ही सुना देंगे। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और कुछ बचा नहीं आपको दिखाने सुनाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त इवेंट रहा, फिर मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। कल हमने ट्रैक करना है और कुछ वाटर पॉन्ड है जिनको एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।